हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिए हम लोग किस तरीका से काम करते हैं। अगर रात का टाइम ट्रांजिस्टर नहीं मिले, देखिए इसमें जैसे MJ1532 था, NPN उतार लिया, MJ33 था, NPN उतार लिया, फिर इसके जगह पे 2073940 डाले। इस तरीका से हम लोग दोस्तों काम करते हैं। या चार्जर हो या एम्पलीफायर हो, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, इसका सारा रेजिस्टेंस कटा हुआ था। ये दूसरा एम्पलीफायर है, एक शॉर्ट वीडियो, ये देखिए ये प्रीसेट से भी वोल्टेज हम मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये देखिए अगर यहाँ पर का प्रीसेट नहीं मिल रहा हो, यहाँ पे इस तरीका से 102 नंबर का प्रीसेट आप लोग लगा सकते हैं। ये देखिए, और बहुत सा भाई लोगों का रेजिस्टेंस का फॉल्ट हो जाता है, तो ये देख लीजिए फ्रेंड। पहले मशीन का लाइन काट लेते हैं फ्रेंड, रेजिस्टेंस काट लिए। ये बार आप लोग गौर से इसका रेजिस्टेंस मेजर कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर का रेजिस्टेंस जला हुआ बहुत सा कंडीशन में आता है। इस साइड का भी आप रेजिस्टेंस देख लीजिए, ये देख लीजिए फ्रंट। और तो रेजिस्टेंस एक इधर का रेजिस्टेंस जला हुआ आएगा, ये कोना वाला। आप लोगों का फ्रेंड मैन हम रेजिस्टेंस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी ड्राइवर बोर्ड में आप लोग फंसे नहीं। ये देखिए रेजिस्टेंस दोस्तों, और इसका कनेक्शन बहुत ईजी होता है। एम्पलीफायर का काम बहुत ईजी है दोस्तों, जो जान गया तो जान गया, जो फंस गया सो फंस गया। ये देखिए दोस्तों, इसको पेट्रोल से वॉश करेंगे भी, और तार वगैरह देख लीजिए जो इधर ड्राइवर सेक्शन है। और इसका देखिए फ्रंट कंडेंसर का कनेक्शन, हाँ ऐसे तो क्लियर कोई बताता नहीं है दोस्तों, पूरा यूट्यूब पे भी। देखिए दो वाइट इससे जो आया हुआ है, ठीक है, ये दोनों यहाँ आ गया, ठीक है दोस्तों। दोनों उजला तार शॉर्ट करके इधर दे दिया। इसका कनेक्शन देखिए बहुत दिमाग घुमा देगा आप लोगों को। एम्पलीफायर का कनेक्शन, एक लाल तार है, देखिए एक लाल तार मॉड्यूल पर थोड़ा इधर कर लेते फ्रेंड, अब लोग अब दिखाते। देखिए ये एक लाल तार है, ये जो आप लाल तार देख रहे हैं ये इस डायोड पे गया, फिर इससे एक काला तार निकाला, ये काला तार आपका दिया है इस पोल पे। बढ़िया समझिए फ्रेंड, बहुत बहुत घुमावटी कनेक्शन है। देखिए कौन सा खुल गया है तार हमारा, ये यहाँ से खुला है फ्रेंड। अब देखिए इस कंडेंसर का नेगेटिव उतारा है, और ये ट्रांजिस्टर का स्पीकर में दिया। यहाँ से देखिए हरा तार यहाँ से दिया, एक हरा तार यहाँ का टूट गया है। चलिए पहले इसको जोड़ देते हैं फ्रेंड। यहाँ पर समझिएगा दोस्तों किस तरीका से कनेक्शन है इसका, कह के बहुत कम लोगों आप लोगों को यहाँ पर का कनेक्शन समझाएगा। ये देखिए पूरा दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा। देखिए दो तार ट्रांसफार्मर का यहाँ से आया, ठीक है, एक लाल एक काला। ये देखिए काला इस साइड दे दिया है, काला इस साइड दे दिया और लाल इस साइड दे दिया। तो अब इसका देखिए कनेक्शन कैसे आप बुझ रहिएगा। पहले इसका डायोड का नेगेटिव पॉजिटिव पकड़िए, एसी यहाँ लिखा हुआ है और इधर पुल पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से पॉजिटिव कंडेंसर पे दे दिया है, यहाँ पे आया, यहाँ से पॉजिटिव और एसी। एसी में देखिए एक ट्रांसफार्मर का लूप इसमें दिया, इससे उठाकर फिर हमारा इधर दिया, इधर ना एसी लिखा हुआ ना डीसी लिखा हुआ, इससे उठाकर फिर हमारा इस साइड दिया दोस्तों, ठीक है। ये दोनों पेयर कर दिया, फिर काला वाला तार यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, अब हमको बताते बताते कन्फ्यूजन होने लगा। यहाँ से कंडेंसर का मतलब ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक कर दिया दोस्तों, नेगेटिव एसी, एक एसी यहाँ हो गया और पॉजिटिव से एक एसी यहाँ हो गया। अभी भी कन्फ्यूजन है, ये बताइए फ्रेंड कौन कनेक्शन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक यहाँ से हरा तार उठाया, कलेक्टर अथी मीटर पे दिया दोस्तों, नहीं मीटर पे दिया हुआ है,
यहाँ से कंडेंसर के पास ये दोनों डायोड को शॉर्ट करके। चलो ठीक है, फिर ये दोनों तार यहाँ से निकाला दोस्तों, ये देखिए। चलिए दोस्तों, इसका वायरिंग समझते समझते रात ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो हम समझा देंगे जब खोलेंगे फुल्ली, तब आप लोगों को बता देंगे। ऐसे यहाँ का भी देख लीजिए आप लोग, इधर का भी देख लीजिए जो समझ में आ रहा है, और इधर भी देख लीजिए। यहाँ देखिए एक ट्रांसफार्मर का तार यहाँ पे गया हुआ है, और एक ट्रांसफार्मर का एक ही तार से आउट कर दिया। इतना ध्यान रखिए दोस्तों, ई रेजिस्टेंस कट जाएगा ना ऑडियो आपका ब्रेक हो जाएगा, लाइन आएगा मगर ऑडियो नहीं आएगा, ये फॉल्ट हम पाए हैं। इसका भी फिनिशिंग करने में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों।